मैथ्स टू बी थर्ड चैप्टर पैराबोला एक्सरसाइज 3A थर्ड बिट थर्ड प्रॉब्लम थर्ड बिट थर्ड प्रॉब्लम फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स एंड फोकस एंड इक्वेशंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फर्स्ट वन इज वर्टेक्स एंड सेकंड वन इज फोकस एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. हियर फाइंड द नंबर 1 वर्टेक्स, नंबर 2 फोकस, नंबर 3 इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स एंड नंबर 4 इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पैराबोला ट्रांसफॉर्म्ड और रिड्यूस्ड इनटू वेरियस फॉर्म्स ऑफ द पैराबोला वेरियस फॉर्म्स ऑफ द पैराबोला इज नंबर 1 इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. सेकंड वन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax. थर्ड वन इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. फोर्थ वन इज x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay. फिफ्थ वन इज y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस h. नेक्स्ट वन y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू x माइनस h. नेक्स्ट वन x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y माइनस k. नेक्स्ट वन इज x माइनस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू y माइनस k. गिवन पैराबोला ट्रांसफॉर्म और रिड्यूस इंटू दिस इज द 8 डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स ऑफ द पैराबोलास. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पैराबोला ट्रांसफॉर्म इंटू वेरियस फॉर्म्स. गिवन पैराबोला इक्वेशन y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन y स्क्वायर एंड y टर्म. y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन y टर्म इंटू 2ab टर्म. 2ab y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू राइट डाउन 2 इंटू y इंटू 2 प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. हियर लेट y इज द a, 2 इज द b. a स्क्वायर प्लस 2ab. a स्क्वायर प्लस 2ab. हियर b इज इक्वल टू 2. सो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग b स्क्वायर. y स्क्वायर प्लस 2 इंटू y इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. यर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 स्क्वायर वैल्यू. हियर a इज इक्वल टू y, b इज इक्वल टू 2. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर. सो y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. y प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस 4x इज इक्वल टू 0. y प्लस 2 होल स्क्वायर टेकिंग माइनस 4 प्लस 4x राइट साइड नेगेटिव पॉजिटिव
positive, negative. So minus 7 becomes plus 7, minus plus 4x minus 4x. Y plus 2 whole square is equal to here minus 4 common, minus 4 common. X coefficient to minus 4, minus 4 is common. So x minus 7 by 4, minus 4 into x minus 7 by 4. Y plus 2 whole square is equal to, write down, y minus of minus 2 whole square is equal to minus 4 into x minus 7 by 4. Comparing with y minus k, whole square is equal to minus 4a into x minus h. Y minus k whole square is equal to minus 4a into x minus h. Here h is equal to, h is equal to 7 by 4. H is equal to 7 by 4. K is equal to minus 2. K is equal to minus 2. Minus minus. 4A is equal to 4. 4A is equal to 4. So A is equal to 1. 4 1 ja 4. 4 A is equal to 1. First of all, write down equation of the parabola y minus k whole square is equal to minus 4a into x minus h. Find the values. Number 1, vertex. Vertex A is equal to h comma k. H comma k. Vertex h comma k. H. H is equal to 7 by 4. K is equal to minus 2. This is the vertex. Vertex x coefficient to h, y coefficient, y x term h, x value h, y value k. So vertex h comma k. Second one is focus. Focus S is equal to, first of all write down x coordinate. X coordinate is h minus a. H minus a is the x coordinate. Y coordinate is the k. So focus h minus a comma k. H 7 by 4 minus a 1 comma k minus 2. Here 4 LCM, 7 minus 4 comma minus 2, 7 minus 4 3 by 4 comma minus 2 is the focus. Third one is equation of the directrix. So equation of the directrix is x minus h minus a. X minus h minus a is equal to 0. X minus h 7 by 4 minus a 1 is equal to 0. You are taking LCM 4, 4 into x, 4x minus 7, 1 4 is 4 is equal to 0. 4x minus 7 minus 4 minus 11, 0 into something, 0. So equation of the directrix is 4x minus 11 is equal to 0. Next one, fourth one, equation of the axis is, equation of the axis y minus k. Y minus k is equal to 0.
equation of the axis y minus k is equal to 0. Y minus k, k is equal to minus 2, is equal to 0. Y minus into minus plus 2 is equal to 0. This is the equation of the axis y plus 2 is equal to 0. First one is vertex h comma k, so 7 by 4 comma minus 2. Focus h minus a is the x coordinate. X coordinate is h minus a, y coordinate is k. So focus h minus a comma k, so 3 by 4 comma minus 2. Equation of the directrix x minus h minus a, x minus h minus a is equal to 0 is the equation of the directrix. Here equation of the directrix 4x minus 11 is equal to 0. Next one, equation of the axis. Equation of the axis y minus k is equal to 0. Y minus k is equal to 0 means y plus 2 is equal to 0. First of all, given equation transformed or reduced into various forms of the parabolas. Various forms of the parabolas. First of all, here y term write into 2ab term. 2ab term. Here adding and subtracting b square value. B square value. Here given parabola comparing with y minus k whole square is equal to minus 4a into x minus h. Y minus k whole square is equal to minus 4a into x minus h. This is the formulas of the parabola. Y minus k whole square is equal to minus 4a into x minus h. Vertex h comma k, focus h minus a comma k, equation of the directrix x minus h minus a is equal to 0, equation of the axis y minus k is equal to 0. This is the process for finding the values, vertex, focus, equation of the directrix and equation of the axis of the parabolas. Similarly, number of problems, try it.